हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल चोपड़ा एजुकेशन और मैं हूं हरसाई चोपड़ा। दोस्तों, अगर आप दिल्ली के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस, बीडीएस और आयुर्वेदा कोर्स के अलावा बीएससी नर्सिंग और पांच प्रकार के मेडिकल कोर्स करना चाहते हैं, ये कॉलेज जैसे वर्धमान, महावीर, सफदरजंग, राम मनोहर लोहिया, इन कॉलेजों में ये कोर्स करवाए जाते हैं। ये कोर्सेज जैसे बीपीटी, बीओटी, बीएसएलपी, बीएससी, एमएलटी, ये कोर्स करना चाहते हैं तो इसके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है और लास्ट डेट 31 मार्च 2020 है। इसमें दिल्ली स्टेट के अलावा बाकी स्टेट के कैंडिडेट भी एलिजिबल हैं, क्योंकि इसमें ऑल इंडिया कोटा की भी सीट है। इस वीडियो के जरिए मैं आपको ये बताऊंगा कि कौन कौन से इंस्टीट्यूशन में कौन कौन से कोर्सेज की कैटेगरी वाइज कितनी सीटें हैं, इसमें एडमिशन लेने का प्रोसीजर क्या है, एप्लीकेशन फीस क्या रहेगी और इम्पोर्टेंट डेट्स क्या रहेगी। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें, वीडियो को लाइक व ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो सबसे पहले हम बीएससी नर्सिंग की कॉलेज वाइज कैटेगरी वाइज सीट देखते हैं कितनी कितनी सीटें हैं। तो बीएससी नर्सिंग में लक्ष्मीबाई बत्रा मेडिकल कॉलेज में ये टोटल 60 सीट से बीएससी ऑनर्स नर्सिंग की। सेंट स्टेफन्स कॉलेज ऑफ नर्सिंग में टोटल 50 सीट से। कॉलेज ऑफ नर्सिंग वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज और सफदरजंग हॉस्पिटल में 50 सीट से। स्कूल ऑफ नर्सिंग हिंदूराव हॉस्पिटल में टोटल 20 सीट से। कॉलेज ऑफ नर्सिंग कस्तूरबा मेडिकल कॉलेज 20 सीट से। कॉलेज ऑफ नर्सिंग डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ये 50 सीट से इसमें। अब हम कैटेगरी वाइज सीट देखते हैं तो लक्ष्मीबाई बत्रा कॉलेज ऑफ नर्सिंग में दिल्ली जनरल की 36 सीट से। दिल्ली जनरल में वो कैंडिडेट आते हैं जिन्होंने दिल्ली से 11th और 12th पास कर रखी है। दिल्ली जनरल डिफेंस की 2 सीट है। दिल्ली एससी की 8 सीट है। जेंट के माइग्रेट की 1 सीट है। ओडी जनरल की 6 सीट है। ओडी जनरल में आउटसाइड दिल्ली जनरल की 6 सीट है, जिसमें जिन्होंने अदर स्टेट से 11th और 12th कर रखा है, दिल्ली के अलावा इंडिया के किसी भी स्टेट से अगर 11th और 12th कर रखा है तो आउटसाइड दिल्ली जनरल कैटेगरी में आते हैं, उसके लिए 6 सीट है। आउटसाइड एससी के लिए 2 सीट है, टोटल 55 सीट है। अब हम बात करें कॉलेज ऑफ नर्सिंग डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल की, तो इसमें ऑल इंडिया जनरल की 24 सीट है। इसमें ऑल इंडिया का कोई भी कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है। ऑल इंडिया जनरल डिफेंस की 1 सीट है। ऑल इंडिया ओबीसी की 16 सीट है। ऑल इंडिया ओबीसी डिफेंस की 1 सीट है। ऑल इंडिया एससी की 10 सीट है। ऑल इंडिया एसटी की 4 सीट है और जनरल ईडब्ल्यूएस की 6 सीट है। जेंट के माइग्रेट की 1 सीट है। टोटल 63 सीट है इस कॉलेज में। इसके बाद में हम बात करें सफदरजंग हॉस्पिटल जो वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज है, ऑल इंडिया की 24 सीट है जनरल की। ऑल इंडिया डिफेंस की 1 सीट है। इसके बाद में ऑल इंडिया ओबीसी की 16 सीट है। ऑल इंडिया ओबीसी डिफेंस की 1 सीट है। ऑल इंडिया एससी की 10 सीट है। ऑल इंडिया एसटी की 4 सीट है। जनरल ईडब्ल्यूएस की 6 सीट है। टोटल इसमें 63 सीट है। इसके बाद स्कूल नर्सिंग ऑफ हिंदूराव हॉस्पिटल में दिल्ली जनरल की 9 सीट है। दिल्ली जनरल ईडब्ल्यूएस की 2 सीट है। दिल्ली ओबीसी की 6 सीट है। दिल्ली एससी की 5 सीट है। जेंट के माइग्रेट की 1 सीट है। इसके बाद आउटसाइड दिल्ली जनरल की 2 सीट है और आउटसाइड एससी की 1 सीट है। टोटल 26 सीट है इस कॉलेज में। इसके बाद में कॉलेज ऑफ नर्सिंग कस्तूरबा हॉस्पिटल में दिल्ली जनरल की 8 सीट है। दिल्ली जनरल डिफेंस की 1 सीट है। दिल्ली जनरल ईडब्ल्यूएस की 1 सीट है। इसमें दिल्ली ओबीसी की 6 सीट है। दिल्ली एससी की 5 सीट है। जेंट के माइग्रेट की 1 सीट है। ओबीसी आउटसाइड सॉरी जनरल आउटसाइड दिल्ली की 2 सीट है। आउटसाइड एससी की 1 सीट है। टोटल 26 सीट है इस कॉलेज में। सेंट स्टेफन्स हॉस्पिटल कॉलेज ऑफ नर्सिंग में ऑल इंडिया जनरल की 18 सीट है। ऑल इंडिया जनरल डिफेंस की 1 सीट है। ऑल इंडिया एससी की 4 सीट है। ऑल इंडिया एसटी की 2 सीट है। क्रिश्चियन की 25 सीट है। जेंट के माइग्रेट की 1 सीट है। टोटल 51 सीट है। तो इस प्रकार से टोटल 284 सीट इन कॉलेजों में बीएससी नर्सिंग के लिए हैं, जिसमें ऑल इंडिया और दिल्ली की दोनों की सीटें हैं। अलग अलग सीटें मैंने आपको बता दिया है। इसके बाद में इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखें
तो इसमें जो बीएससी नर्सिंग के लिए ओनली अनमैरिड फीमेल कैंडिडेट ही इलिजिबल हैं जिन्होंने 12th क्लास पास कर रखी है साइंस फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से, और इसमें मिनिमम 50% मार्क्स होना चाहिए फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में इसमें, और पास अलग अलग सेपरेट सब्जेक्ट में पास होना चाहिए इसमें, और इंग्लिश में भी अलग से पास होना चाहिए, और इन तीनों में एग्रीगेट होना चाहिए। एग्रीगेट का मतलब है कि तीनों सब्जेक्ट फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में मिलाकर 50% होना चाहिए इसमें, ये कंडीशन है। पास सभी में होना चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी और इंग्लिश में पास होना चाहिए। अब हम पैरामेडिकल कोर्सेज के सीट मैट्रिक्स की बात करें तो बैचलर इन फिजियोथेरेपी में बनारसी दास चांदीवाला इंस्टीट्यूट ऑफ फिजियोथेरेपी में दिल्ली जनरल की 38 सीट्स हैं, दिल्ली जनरल डिफेंस की 2 सीट हैं, दिल्ली जनरल पीएच की 1 सीट है, दिल्ली एससी की 9 सीट है, दिल्ली एसटी की 1 सीट है, जेएनके माइग्रेट की 1 सीट है, आउटसाइड दिल्ली जनरल की 7 सीट है, आउटसाइड एससी की 1 सीट है, आउटसाइड दिल्ली एसटी की 1 सीट है, टोटल 61 सीट्स हैं इसमें। इसके बाद में बैचलर इन ऑक्यूपेशनल थेरेपी की बात करें तो आईएसआईसी इंस्टीट्यूट में दिल्ली जनरल की 15 सीट्स है, दिल्ली जनरल डिफेंस की 1 सीट है, दिल्ली जनरल पीएस की 1 सीट है, दिल्ली एससी की 3 सीट है, आउटसाइड दिल्ली जनरल की 3 सीट है, टोटल 23 सीट्स हैं इसमें। इसके बाद में हम बैचलर इन फिजियोथेरेपी इसी इंस्टीट्यूट यानी आईएसआईसी इंस्टीट्यूट की बात करें तो दिल्ली जनरल की 29 सीट है, दिल्ली जनरल डिफेंस की 2 सीट है, दिल्ली जनरल पीएच की 1 है, दिल्ली एससी की 6 सीट है, जेएनके माइग्रेट की 1 सीट है इसमें, आउटसाइड दिल्ली जनरल की 6 सीट है, आउटसाइड एससी की 1 सीट है इसमें, टोटल 46 सीट है, और इस प्रोग्राम के लिए टोटल 69 सीट्स हैं। अब हम बात करें बैचलर यानी कि बीएएसएलपी की, तो इसमें ये जो इंस्टीट्यूट है इसमें ऑल इंडिया जनरल की 8 सीट है, ऑल इंडिया जनरल डिफेंस की 1 सीट है, ऑल इंडिया जनरल पीएच की 1 है, ऑल इंडिया ओबीसी की 6 सीट है, ऑल इंडिया एससी की 4 सीट है, ऑल इंडिया एसटी की 2 सीट है, ईडब्ल्यूएस की 3 सीट है, जिसमें ऑल इंडिया का कोई भी कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है, एडमिशन ले सकता है। अभी इसमें बीएससी एमएलटी की बात करें तो वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज एंड सफदरजंग हॉस्पिटल में ऑल इंडिया जनरल की 11 सीट है, ऑल इंडिया जनरल डिफेंस की 1 सीट है, ऑल इंडिया जनरल पीएच की 1 सीट है, ऑल इंडिया ओबीसी की 8 सीट है, ऑल इंडिया एससी की 5 सीट है, ऑल इंडिया एसटी की 2 सीट है, ईडब्ल्यूएस की 3 सीट है, और जेएनके माइग्रेट की 1 सीट है इसमें, टोटल 32 सीट्स हैं इसमें। इसके बाद में इंटीग्रेटेड इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की बात करें इसमें तो दिल्ली ईडब्ल्यूएस की 3 सीट है, दिल्ली जनरल की 12 सीट है, दिल्ली जनरल डिफेंस की 1 सीट है, दिल्ली जनरल डिफेंस पीएच की 1 है, दिल्ली ओबीसी की 8 सीट है, दिल्ली ओबीसी पीएच की 1 सीट है, दिल्ली एससी की 4 सीट है, दिल्ली एसटी की 2 है, जेएनके माइग्रेट की 1 सीट है, आउटसाइड दिल्ली जनरल की 3 है, आउटसाइड दिल्ली एससी की 1 सीट है, टोटल 37 सीट्स हैं इसमें। इंदिराव हॉस्पिटल में बीएससी एमएलटी में दिल्ली ईडब्ल्यूएस की 3 सीट, दिल्ली जनरल की 12, दिल्ली जनरल डिफेंस 1, दिल्ली जनरल पीएच 1, दिल्ली ओबीसी 8, दिल्ली ओबीसी पीएच 1, दिल्ली एससी 4, दिल्ली एसटी 2, जेएनके माइग्रेट 1, और आउटसाइड दिल्ली जनरल की 3 सीट है, इस प्रकार से टोटल 37 सीट है, और इस कोर्स के लिए प्रोग्राम के लिए टोटल 262 सीट्स हैं। अब हम इन पैरामेडिकल कोर्सेज के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो 12th क्लास 10+2 पास होना चाहिए सीबीएसई या फिर इसके समकक्ष से परीक्षा पास होना चाहिए, मिनिमम एग्रीगेट मार्क्स फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में 50% होना चाहिए तीनों सब्जेक्ट में मिला के, और इन तीनों सब्जेक्ट में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में पास होना चाहिए और इंग्लिश में भी अलग से पास होना चाहिए। इसके बाद में इनमें जो एडमिशन लिया जाता है वो सीईटी एग्जाम के थ्रू लिया जाता है, यानी कि ये आईपीयू के अंडर आती है, और तो आईपीयू इसके लिए अलग से एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता है जिसे सीईटी कहा जाता है। तो इनके लिए जो कंडीशन है बीएससी नर्सिंग के लिए जो कंडीशन है इसमें फिजिक्स का 20% वेटेज आएगा, केमिस्ट्री का 20%, बायोलॉजी का 40%, इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन का 10% आएगा इसमें, जनरल अवेयरनेस अबाउट हेल्थ रिलेटेड मैटर्स का 10% आएगा,
पैरामेडिकल कोर्सेज की बात करें तो फिजिक्स 25% आएगा, केमिस्ट्री 25% और बायोलॉजी 50% वेटेज आता है इसमें सीईटी एग्जाम में। इसके अलावा बीएससी योगा और बीएससी नर्सिंग पोस्ट बेसिक कोर्सेज के लिए भी एंट्रेंस एग्जाम लिया जाता है। अब हम इन कोर्सेज में एडमिशन कैसे लें? तो दोस्तों ये इंस्टीट्यूट आईपीयू यानी गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी के अंडर आते हैं और आईपीयू द्वारा एंट्रेंस एग्जाम लिया जाता है। एंट्रेंस एग्जाम के लिए रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं। आपको isu.ac.in की वेबसाइट पर अप्लाई ऑनलाइन के लिंक पर क्लिक करना है। आप इन कोर्सेज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके एप्लीकेशन फीस 1200 रुपीज़ है और लास्ट डेट 31 मार्च 2020 है। एंट्रेंस एग्जाम का रिजल्ट आ जाने के बाद मेरिट बेस पर आईपीयू द्वारा काउंसलिंग करवाकर एडमिशन दिया जाता है इन कोर्सेज में। और इसका काउंसलिंग शेड्यूल इस प्रकार से है, ये बीएससी नर्सिंग का 11th जून 2020 से डिस्प्ले हो जाएगा फर्स्ट राउंड काउंसलिंग के लिए। इसी प्रकार से पैरामेडिकल कोर्सेज जो बीपीटी बीपीओ बीएससी एमएलटी बीएसएलपी और बीओटी कोर्स है इनके लिए 11 जून 2020 को डिस्प्ले हो जाएगा इनकी काउंसलिंग के लिए शेड्यूल है वो। तो दोस्तों ये जानकारी थी एमबीबीएस के अलावा दिल्ली गवर्नमेंट कॉलेज से करवाए जाने वाले कोर्सेज के बारे में, जिसमें अदर स्टेट कैंडिडेट भी एलिजिबल हैं। ऑल इंडिया का कोई भी स्टेट का कोई भी कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है। आप हमारे चैनल पर नए हैं, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें, क्योंकि इस प्रकार की इन्फॉर्मेशन हम लेके आते रहते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नई जानकारी के साथ में नए वीडियो में, तब तक मैं हरसाय चोपड़ा आपसे लेता हूँ विदा। जय हिंद।